बीएससी द्वितीय वर्ष की गणित विषय की आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा दुराफे, सहायक प्राध्यापक गणित शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल, आज आपको समूह की परिभाषा और उनके व्यापक गुणधर्म, ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रही हूँ। समूह की परिभाषा और उसके गुणधर्म जानने के पहले आइए पहले हम देखेंगे समुच्चय किसे कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया क्या है, बीजीय संरचना की परिभाषा क्या है। तत्पश्चात हम जानेंगे कि समूहा किसे कहते हैं, यानी कि ग्रुपोइड, अर्ध समूह यानी कि सेमी ग्रुप, एक समूही यानी कि मोनोइड और समूह अर्थात ग्रुप। उसके बाद हम देखेंगे कि परिमित और अनंत समूह, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप, समूहांक, क्रमविनिमेय समूह और अनआबेली समूह। उसके बाद हम इसकी अपरिवर्तित परिभाषा देखेंगे, फिर हम समूह सारणी कैसे बनाते हैं ये देखेंगे, मॉडुलो पद्धति में हम समूह को कैसे उसकी परिभाषित करते हैं, समूह कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसे कि हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जिसके अवयव 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक होते हैं। इसी तरीके से पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे हमने बहुत इसके पहले की कक्षाओं में हमने देखा है। हम सभी जानते हैं समुच्चय और उसकी परिभाषाएं और उनको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये सभी हम भलीभांति जानते हैं। अब हम देखते हैं कि द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। एक समुच्चय पर, एक सेट पर द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एक नियम है जो समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों से उसी समुच्चय में किसी अद्वितीय अवयव यानी कि यूनिक एलिमेंट को निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसे कि हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, उस पर योग एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यों द्विआधारी संक्रिया है? क्योंकि यदि हमने N के दो एलिमेंट लिए यानी कि दो अवयव लिए, एक एक लिया उदाहरण के लिए और दूसरा 3 लिया, अब इन दोनों का हमने योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 4। हम सभी भलीभांति जानते हैं कि 4 भी एक प्राकृत संख्या है और ये अद्वितीय है। एक में 3 को कोई भी यदि इसका योग करेगा तो उत्तर 4 ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो समुच्चय N पर जो योग है वो क्या है? एक द्विआधारी संक्रिया है। अब हम देखते हैं कि बीजीय संरचना यानी कि एलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट, एक अरिक्त समुच्चय A, जिस पर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन हो, तो ये एक बीजीय संरचना यानी कि एलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। उदाहरण के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और गुणन संक्रिया। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भी दो प्राकृत संख्याओं का हम गुणनफल करें तो जो गुणनफल के बाद संख्या होगी एक नेचुरल नंबर होगी, जैसे कि 2 और 5, ये दो प्राकृत संख्याएं हैं। अब इनका जब हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 10। 10 भी एक प्राकृत संख्या है और ये अद्वितीय है, यूनिक है, इसलिए ये जो N और गुणन संक्रिया मिलके क्या बनाएंगे? बीजीय संरचना। आइए अब हम देखते हैं समूहाप, समूहाप यानी कि ग्रुपोइड। माना G एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर एक द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन O परिभाषित है, तब बीजीय संरचना एलजेब्रिक स्ट्रक्चर समूहाप कहलाती है। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं। यदि V
समतल में सदिशों का समुच्चय है, वेक्टर्स का सेट है। तब सदिश गुणन के सापेक्ष v एक ग्रुपोइड है, क्योंकि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक वेक्टर होता है। अर्ध समूह, जिसे हम सामी समूह भी कहते हैं, सेमी ग्रुप, एक बीजीय संरचना अर्ध समूह कहलाता है यदि वो G1 और G2 दो अभिग्रहीतों को संतुष्ट करता है। G1 अर्थात संवरक अभिग्रहित क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि A और B G के अवयव हैं, A और B शामिल हैं G में, तो उनके लिए ऑपरेशन B भी G का अवयव होगा। इसे हम कहते हैं संवरक अभिग्रहित यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद G2 सहचर्य अभिग्रहित एसोसिएटिव। यदि A, B, C ये तीन G के एलिमेंट हैं, G के अवयव हैं, तो यदि हमें इस तरीके से मिलता है कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर मिलता है A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो हम कहते हैं कि जब कोई समुच्चय इन दो अभिग्रहीतों को संतुष्ट करता है O ऑपरेशन के लिए संवरक और साहचर्य, तो हम कहते हैं कि वह अर्ध समूह यानी कि सेमी ग्रुप बनाता है। उदाहरण के लिए यदि हमारा समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और जो हमारे पास में जो योग के लिए हम देख रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये जो बीजीय संरचना है n और प्लस मिलके, ये क्या है कि जो धन की द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें संवरकता नियम यदि हम देखें, तो जैसे कि हमने दो प्राकृतिक संख्याएं ली, एक ली 3 और एक ली 9। अब इन दोनों को यदि हमने जोड़ा, दोनों को ऐड किया, तो 3 में 9 को ऐड करने पर बच्चों क्या मिला, 12। हम सभी जानते हैं कि 12 एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा अभिग्रहित हमने देखा साहचर्य अभिग्रहित एसोसिएटिव। तो हमने 3 प्राकृतिक संख्याएं ली, एक ली 3, एक ली 9 और एक ली 11। अब पहले हमने 3 में 9 को जोड़ा तो क्या मिला, 12। फिर हमने 12 में 11 को जोड़ा तो क्या मिला, 23। अब यदि दायां पक्ष देखें, पहले 9 में 11 को जोड़ा तो क्या मिला, 20, और फिर 3 में 20 को जोड़ा तो क्या मिला, 23। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय योग द्विचर संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। इसलिए ये जो बीजीय संरचना हुई, ये क्या हुई बच्चों, एक अर्ध समूह यानी कि सेमी ग्रुप। आइए अब हम देखते हैं कि मोनोइड किसे कहते हैं। एक समूही बीजीय संरचना या मोनोइड, जब ये आपके पास में एक बीजीय संरचना GO है और ये G1, G2, G3 तीन अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। तीन अभिग्रहित से मतलब क्या हुआ कि G1 यानी कि संवरक, G2 यानी कि साहचर्य और G3 यानी कि तत्समक अवयव का संतुष्टिकरण, सेटिस्फाई कर दे वो किसको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए एक मोनोइड है। उदाहरण के लिए गुणन के सापेक्ष पूर्णांकों का समुच्चय भी मोनोइड होता है। यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ें, तो हमको जो नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, तो दो इंटीजर्स का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी एक पूर्णांक मिलेगा। जैसे हमने एक पूर्णांक लिया, एक इंटीजर लिया 1 और दूसरा लिया -2, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, -2। हम सभी जानते हैं कि -2 भी एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। तो इस तरह से पूर्णांकों का गुणन संक्रिया के लिए संवरक अभिग्रहित यानी क्लोजर को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। अब हम G2 को देखें, G2 यानी कि साहचर्य।
तो दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक होता है, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं साहचर्य, तो हमने तीन पूर्णांक लिए, एक लिया दो, एक लिया हमने तीन और एक क्या लिया ऋण पांच। ये तीनों बच्चों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। अब इसमें हमने देखा कि गुणन संक्रिया के लिए क्या ये साहचर्य नियम का पालन करता है, तो हम देखते हैं दो में तीन का पहले गुणा किया तो छह, और छह में ऋण पांच का किया तो ऋण तीस। इसी तरीके से दाएं पक्ष में जब हमने तीन में ऋण पांच का किया तो ऋण पंद्रह, और दो में ऋण पंद्रह का किया तो ऋण तीस, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः पूर्णांकों का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। आइए अब हम तीसरा नियम देखते हैं, तत्समक अभिग्रहित। अब यदि हम ए एक ऐसा अवयव है जो क्या है, इंटीजर है, जो पूर्णांक है, और एक भी कैसा है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। अब यदि हम एक में ए का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए, और ए भी किस में शामिल है, आई में, और एक एक पूर्णांक संख्या है, तो इस तरह से एक अवयव एक पूर्णांक है, अतः पूर्णांकों का समुच्चय तत्समक अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। तो जो ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ये गुणन संक्रिया के लिए मोनोइड बनाता है, क्योंकि ये जीवन यानी कि संवरक अभिग्रहित, G2 यानी कि साहचर्य अभिग्रहित, और G3 अर्थात तत्समक अभिग्रहित, इन तीनों को संतुष्ट करता है। आइए अब हम देखते हैं कि समूह किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं। जब एक बीजीय संरचना G1, G2, G3, G4 इन चारों अभिग्रहितों को संतुष्ट करती है तो वह एक समूह कहलाती है। अब G1 मतलब क्या हुआ, संवरक, G2 मतलब क्या हुआ, साहचर्य, G3 मतलब क्या हुआ, तत्समक अवयव की उपस्थिति, और G4 प्रतिलोम की। तो जब कोई बीजीय संरचना इन चारों अभिग्रहितों को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है, तो वह ग्रुप कहलाती है। उदाहरण के लिए योग के सापेक्ष पूर्णांकों का समुच्चय, जानते हैं कि पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए पूर्णांकों के समुच्चय के लिए योग संक्रिया के लिए हम देखें कि क्या संवरक अभिग्रहित को यह संतुष्ट करता है। तो इसके लिए हमने कोई से भी दो अवयव लिए, उदाहरण के लिए एक ले लिया एक और दूसरा ले लिया ऋण दो। जब हमने इन दोनों का योग किया तो हमें क्या मिला, ऋण एक। हम सभी जानते हैं कि ऋण एक भी एक पूर्णांक संख्या है और ये अद्वितीय है। तो हाँ, इस तरीके से पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए संवरक अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। आइए अब देखते अभिग्रहित। इसके लिए हमने तीन पूर्णांक संख्याएं ली, उदाहरण के लिए आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने ली दो, तीन और ऋण पांच। अब योग के लिए जब हमने देखा कि दो में यदि तीन को जोड़ें तो पहले पांच आएगा, और पांच में ऋण पांच को जोड़ें तो शून्य आएगा। इसी तरीके से दाएं पक्ष में यदि तीन में ऋण पांच को जोड़ा तो ऋण दो आएगा, और दो में ऋण दो को जोड़ा तो जीरो आएगा। इस तरीके से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमने क्या देखा कि पूर्णांकों का समुच्चय योग की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। आइए अब तीसरा अभिग्रहित देखते हैं, G3, तत्समक अवयव की उपस्थिति, तत्समक अभिग्रहित। यदि A एक पूर्णांक संख्या है, हम सभी जानते हैं कि 0 भी एक पूर्णांक संख्या होती है, तो यदि A में हम 0 को जोड़ें तो हमें A ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से 0 एक पूर्णांक संख्या है। अब हम देखते हैं G4 यानी कि प्रतिलोम अभिग्रहित। यदि 3 एक पूर्णांक संख्या है तो हम जानते हैं कि ऋण 3 भी एक पूर्णांक संख्या इस तरह से होगी कि 3 में यदि हम ऋण 3 को जोड़ें तो हमें तत्समक अवयव प्राप्त होगा, जो कि अभी अभी हमने देखा कि वो शून्य था।
तो इस तरीके से तीन का योज्य प्रतिलोम ऋण तीन है, तीन का एडिटिव इन्वर्स माइनस थ्री है और माइनस थ्री का एडिटिव इन्वर्स थ्री है जो कि दोनों ही इंटीजर हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा कि पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए तत्समक, साहचर्य, संवरक, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम इन चारों अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। अतः योग के सापेक्ष पूर्णांकों का समुच्चय समूह बनाता है। अब हम देखते हैं कि परिमित समूह किसे कहते हैं, फाइनाइट ग्रुप। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जिस समूह में, जिस ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या परिमित हो उसे हम परिमित समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए समुच्चय जी जिसके अवयव हैं 1-1, i-i गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित समूह बनाता है। और इस परिमित क्यों बनाता है, क्योंकि इस समुच्चय में जो अवयव हैं वो फाइनाइट हैं और जितने उसके अवयव होंगे उतनी ही उस समूह की कोटि होगी। तो यहाँ पर हमारे समुच्चय में चार अवयव हैं, इसलिए इस समूह की कोटि कितनी हुई बच्चों, चार। अब हम देखते हैं कि आबेली समूह या क्रम विनिमेय समूह, कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं। एक समूह को, एक ग्रुप को अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप तब ए ऑपरेशन बराबर ए, जहां ए और बी जी के अवयव हैं। उदाहरण के लिए ये जो जी है 1-1 i-i जिसके अवयव हैं, गुणन के सापेक्ष एक आबेली समूह है। अनाबेली समूह यानी कि नॉन अबेलियन ग्रुप, वह समूह जो आबेली नहीं होता, मतलब जो क्रम विनिमेय नियम का पालन, जो समूह क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता उसे हम अनआबेली समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, सभी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का समुच्चय आव्यूह गुणनफल यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष एक इनफाइनाइट नॉन अबेलियन समूह होता है, जबकि आव्यूह के अवयव पूर्णांकों के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक या सम्मिश्र हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्य इन जनरल ए इंटू बी मैट्रिक्स में बराबर नहीं होता बी इंटू ए के। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका की डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, यानी कि जिसका इनवर्स, जिसका प्रतिलोम निकल सके। प्रायः योज्य संक्रिया में तत्समक अवयव को शून्य से प्रकट करते हैं और गुणन संक्रिया में तत्समक अवयव को एक से प्रकट करते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि तत्समक अवयव गुणन संक्रिया के लिए, मतलब जो ऑपरेशन आपने डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे स्टार है, उसके लिए एक न होके कुछ और हो। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय स्टार संक्रिया के सापेक्ष आबेली समूह है, क्रम विनिमेय समूह है, अबेलियन ग्रुप है। अब ये जो स्टार है ये किस तरीके से डिफाइन किया है कि ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी अपॉन थ्री। अब देखते हैं कि इसमें तत्समक अवयव क्या होगा और ये अबेलियन ग्रुप किस तरह से है, तो आइए इसे देखते हैं। पहले तो हम ये एक बार देख लें कि समूह किसे कहते हैं जिसमें संवरक, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम इन चारों अभिग्रहितों का पालन हो तो उसे क्या कहते हैं, समूह। और वो समूह जो कि G5 यानी कि क्रम विनिमेय नियम का पालन करे तो हम उस समूह को कहते हैं आबेली समूह यानी कि क्रम विनिमेय समूह। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले संवरक अभिग्रहित,
तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का यदि हम गुणनफल निकालेंगे तो वो एक धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए यह संवरक अभिग्रहित का पालन करता है। फिर आता है साहचर्य अभिग्रहित। अब यदि A और BC ये धन परिमेय संख्याएं हैं तो A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। तो पहले हम जरा बायां पक्ष देखें। हमने बच्चों पहले ही प्रश्न में स्टार को डिफाइन किया हुआ है कि स्टार का मतलब क्या है, कि उन दोनों अवयवों का गुणनफल और उस गुणनफल को काय से डिवाइड कर दे, तीन से। तो A स्टार B बराबर A इंटू बी अपॉन थ्री। अब ये ए बी बाय थ्री एक एलिमेंट जैसा काम करेगा। सपोज करो इसको हमने क्या ले लिया, डी। डी किसे ले लिया, ए बी बटे तीन को। तो अब डी स्टार सी का मतलब क्या हुआ कि डी में सी का गुणा करें। बच्चों आप करके देखो अपनी कॉपी में कि यदि डी में सी का गुणा करें और उसे तीन से विभाजित करें तो हमें प्राप्त होगा ए बी सी बटे नौ। मिल गया बच्चों, ए बी सी बटे नौ। अब हमने जब दायां पक्ष उठाया तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, बॉड मास रूल हम जानते ही हैं। तो क्या है कि B स्टार C, तो B स्टार C को जब हमने हल किया तो क्या परिभाषित है स्टार, कि BC बटे तीन। अब इस BC बटे तीन को थोड़ी देर के लिए E मान लो, तो A स्टार E क्या होगा, A इंटू E अपॉन थ्री। तो ये क्या मिलेगा अपने को, ए बी सी बटे नौ। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय स्टार संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। अब हम हमारा तीसरा अभिग्रहित G3 यानी कि तत्समक का अस्तित्व इसे देखते हैं। तो तत्समक अवयव के लिए यदि A एक धन वास्तविक संख्या है और E तत्समक अवयव है तो A स्टार E बच्चों किसके बराबर मिलना चाहिए, तत्समक की परिभाषा से A के बराबर। और ये स्टार क्या इसे परिभाषित है, A E बटा तीन। तो A E बटा तीन बराबर है A के। अब हमने त्रियक गुणा किया तो आपको क्या मिला बच्चों, कि A E बराबर तीन A, तो E बराबर तीन। तो यहाँ पर इस स्टार ऑपरेशन के सापेक्ष, इस स्टार संक्रिया के सापेक्ष आपको तत्समक अवयव क्या मिला, तीन। पर तीन धन परिमेय संख्या है, तीन को आप तीन बटा एक लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिलोम का अस्तित्व। अब A स्टार B, A और B कोई धन परिमेय संख्या है तो A स्टार B बराबर तत्समक अवयव, और यहाँ पर तत्समक अवयव क्या आया है, तीन। तो A स्टार B बराबर तीन। अब स्टार कैसे परिभाषित था, ए बी बटे तीन। तो ए बी बटे तीन बराबर तीन, त्रियक गुणा किया तो A बराबर नौ और B बराबर क्या आ गया, नौ बटे A। तो A का प्रतिलोम यदि B माना है तो वो प्रतिलोम क्या आया, नौ बटा A, जो कि धन परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कि A स्टार B बराबर ए बी बटा तीन और B स्टार ए बी बराबर बी ए बटा तीन, ए बी बराबर बी ए। इसलिए ये जो आपके पास में ये वाला जो था, हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न ये था कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय इस स्टार के सापेक्ष आबेली समूह है। हमने देख लिया कि G1 से G5 पांचों अभिग्रहित इसने संतुष्ट किए, इसलिए ये जो है आबेली समूह बनाता है। अब हम देखते हैं समूह की अपरिवर्तित परिभाषा। जियो समूह होगा यदि ये संवरक साहचर्य वाम तत्समक यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी और वाम प्रतिलोम यानी कि लेफ्ट इनवर्स इन चार अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। अब बच्चों हम देखते हैं कि कैसे हम ये टेबल बनाते हैं और किस तरीके से इस समुच्चय जिसके अवयव 1 -1 i -i है, जो कि जिसमें चार अवयव हैं, ये कोटि चार का परिमित आबेली गुणनात्मक समूह है, यानी कि इसमें हमें पांच अभिग्रहित संतुष्ट करने होंगे। तो इसमें जो हम टेबल बनाते हैं तो पहली जो हेडर रो जिसे कहें उसमें हमने लिख दिया 1 -1 i -i और ऐसे ही उस कॉलम में भी लिख दिया 1 -1 i -i।
और उसके अंदर बच्चों हमने क्या किया कि पहली रो में वन से गुणा किया, तो जब वन से गुणा किया तो वन से वन को किया तो वन मिला, वन से माइनस वन को किया तो माइनस वन मिला, वन से आई को किया तो आई मिला, और वन से माइनस आई को किया तो माइनस आई को किया। तो बच्चों इस तरीके से अपन ने फिर दूसरी बार जो इस कॉलम में था माइनस वन, उस माइनस वन से अपनी हेडर रो में गुणा किया, तो हमने ये गुणा कर लिया। अब हमने ये देखा कि टेबल में जो अवयव हैं वो सभी वन या तो वन है या माइनस वन है या आई है या माइनस आई है, अतः ये संवरक नियम का पालन करता है, ये क्लोज्ड है। काय के लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। कौन सा सेट? सेट वन माइनस वन आई माइनस आई। अब हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये अभी अभी हमने देख लिया कि संयोजन तालिका की सभी प्रविष्टियां समुच्चय जी के ही अवयव हैं, इसलिए ये संवरक नियम का पालन करता है। अब दूसरा अभिग्रहित आता है, साहचर्य अभिग्रहित। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ये जो 1 माइनस वन आई माइनस आई है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है, इसलिए, और ये उसका उपसमुच्चय है, तो यदि अधिसमुच्चय उस नियम का पालन करता है तो उसका उपसमुच्चय भी साहचर्य नियम का पालन करेगा। अब तीसरा आता है, तत्समक अवयव की उपस्थिति। यदि बच्चों हमने ये जो हेडर रो में वन से गुणा किया था, तो हम यदि देखें तो क्या है, वन के नीचे वन है, माइनस वन के नीचे माइनस वन है, आई के नीचे आई है, माइनस आई के नीचे माइनस आई है। मतलब क्या हुआ, वन से वन को गुणा कर रहे हैं तो वन मिल रहा है, वन से माइनस वन को कर रहे हैं तो माइनस वन मिल रहा है। अतः ये जो वन है ये तत्समक अवयव है और हमारे समुच्चय में शामिल है। अब चौथा अभिग्रहित आता है, प्रतिलोम की उपस्थिति। अब ये जो हमारी संयोजन तालिका है, इसमें आप देखो वन कहाँ कहाँ आ रहा है, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, फिर दूसरी रो में जो वन आ रहा है वो माइनस वन में जब माइनस वन का गुणा किया तो वन आ रहा है, फिर जब तीसरी में आपने देखा तो तीसरी में आपने का कहाँ आ रहा है, यदि हमने आई में माइनस आई का गुणा किया तो वन आ रहा है, और माइनस आई में आई का किया तो वन आ रहा है, और वन जो था वो हमारे पास में क्या है, वन हमारे पास में तत्समक अवयव है। तो इस तरह से वन इंटू वन इज इकल टू वन, माइनस वन इंटू माइनस वन इज इकल टू वन, आई इंटू माइनस आई इज इकल टू वन, क्योंकि हम जानते हैं कि आई स्क्वायर माइनस वन होता है और माइनस वन में माइनस का गुणा कर दिया, क्योंकि आई बराबर अंडर रूट माइनस वन। तो इस तरह से ये प्रतिलोम की उपस्थिति दर्शाता है। अब हम ये चार प्रॉपर्टी संतुष्ट होने पर ये क्या हो गया, समूह। अब हमें अबेलियन समूह देखना है, तो पांचवा अभिग्रहित यानी कि क्रम विनिमेय नियम को देखना होगा। तो हम देखते हैं कि हम गुणे में क्या कहते हैं कि a इंटू बी यदि b इंटू a के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि क्रम विनिमेय नियम का पालन, कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है। तो 1 इंटू माइनस वन यहाँ पे देखो तो माइनस वन है, और माइनस वन में जब हमने वन का गुणा किया तो भी माइनस वन है। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स के लिए आप जब करके देखेंगे तो ये क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, अतः समुच्चय 1 माइनस वन आई माइनस आई गुणन संक्रिया के लिए आप समूह बनाता है, और परिमित इसलिए बनाता है क्योंकि जी के अवयव परिमित हैं, और कोटि उसकी चार इसलिए है क्योंकि जी में अवयवों की संख्या चार है। ठीक है, तो जी में अवयवों की संख्या क्योंकि चार है, अतः जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित अबेली समूह, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाता है जिसकी की कोटि चार है। अब हम देखते हैं मॉड्यूलो पद्धति। आप सभी ने रेलवे समय सारणी में ऐसा देखा होगा कि ये रेल 15 बजे आ रही है, 15 का तात्पर्य क्या है, 3 बजे। तो इसमें 12 को क्या है, जीरो माना जाता है,
तो इस तरीके से रेलवे समय सारणी में 15 अर्थात 3 के बराबर होता है और 12 के स्थान पर 0 अंकित है। यह मॉडुलो 12 पर काम करता है। अब हम देखते हैं एक उदाहरण कि समुच्चय जी जिसके अवयव क्या है, 0, 1, 2 और 3। हम देखते हैं कि क्या ये योग के सापेक्ष मॉडुलो 4 पर एडिशन मॉडुलो 4 पर अबेलियन ग्रुप बनाता है या नहीं। तो हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हम संयोजन तालिका बनाते हैं। संयोजन तालिका में हम हेडर रो और इस कॉलम में 0, 1, 2, 3 ऐसे ही कॉलम में 0, 1, 2, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारी संक्रिया है यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 4। अब हमने 0 को 0 में ऐड किया तो 0, 0 को 1 में ऐड किया तो 1, 0 को 2 में ऐड किया तो 2, 0 को 3 में ऐड किया तो 3। उसके बाद हमने 1 में 0 को किया तो 1, 1 में 1 को किया तो 2, 1 में 2 को किया तो 3, और 1 में जब 3 को किया तो आता है 4। जैसे कि रेलवे में 12 की जगह 0, वैसे ही यहाँ पर चूंकि एडिशन मॉडुलो 4 था तो जब योगफल 4 आया तो 4 के स्थान पर क्या मिला बच्चों, 0। 4 में से 4 घट गया। अब जब हमने 2 में 0 को जोड़ा तो 2, 2 में 1 को जोड़ा एडिशन मॉडुलो के तहत तो 3, एडिशन मॉडुलो 4 के तहत 2 में 2 को जोड़ा तो 4 यानी कि 0, और जब एडिशन मॉडुलो 4 के तहत 2 में 3 को जोड़ा तो 5 आया, 5 में से 4 घटा तो 1 आया। अब अंतिम रो में 3 लिखा हुआ है, जब 3 की जो हेडर रो है तो 3 में 0 को जोड़ा एडिशन मॉडुलो 4 के तो 3, और 3 में 1 को जोड़ा एडिशन मॉडुलो 4 तो आया 4, जिसके स्थान पर लिखा 0, 3 में 2 को जोड़ा 5, 5 के स्थान पर लिखा 1, और 3 में 3 को जोड़ा तो 6 के स्थान पर लिखा 6 में से 4 घटा के यानी कि 2। अब बच्चों आप ये देखो कि ये जो संयोजन तालिका बनी इसके अंदर के अवयव क्या 0, 1, 2, 3 के अतिरिक्त हैं? एक भी अवयव ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा समुच्चय जी था ये एडिशन मॉडुलो 4 के लिए क्लोजर यानी कि संवरक नियम का पालन करता है। अब हम दूसरा अभिग्रहित देखते हैं, साहचर्य नियम, साहचर्य अभिग्रहित, एसोसिएटिव लॉ। हमने ये टेबल आपके सामने जो अभी बनाई थी वही फिर से रिपीट करके लिख दी है। अब इसके हमने कोई 3 अवयव लिए, 3 अवयव लिए, 1, 1, 2, 3। पहले हमने एडिशन मॉडुलो 1 में 2 को जोड़ा तो क्या मिला, 3। और बच्चों थोड़ा था मैंने पहले ब्रैकेट हल किया तो जब 2 में 3 को एडिशन मॉडुलो 4 के तहत जोड़ा तो आपको 5 मिला, 5 में से 4 घटा 1 मिला, और 1 में 1 को एडिशन मॉडुलो 4 के तहत जोड़ा तो 2 मिला, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः जो हमारा समुच्चय है वो एडिशन मॉडुलो 4 के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। आइए बच्चों आप देखते हैं तीसरा अभिग्रहित, तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने देखा कि 0 के सापेक्ष जो रो है और जो हेडर रो है उनमें एक एक संगतता है, मतलब 0 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 2 है और 3 के 0 जो है वो तत्समक अवयव है और इस समुच्चय का भी एक अवयव है। अतः समुच्चय जी तत्समक अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। तो बच्चों अब 3 अभिग्रहित संतुष्ट हो गए, अब चौथा देखते हैं, प्रतिलोम अभिग्रहित, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इस संयोजन तालिका में हम देखते हैं कि 0 कहां कहां पर आ रहा है। तो 0 में 0 को जोड़ा तो 0, 1 में तो इसका 1 में 3 को, 1 में 3 को जोड़ा तो 0, 2 में 2 को जोड़ा तो 0, 3 में 1 को जोड़ा तो 0। इसका मतलब एडिशन मॉडुलो तहत के, एडिशन मॉडुलो 4 के तहत 0 का इनवर्स है 0, 1 का है 3, 2 का है 2 और 3 का है
तीन का है एक, और ये सभी जी के अवयव हैं। तो योग के सापेक्ष मॉडुलो चार पर, तो इसका मतलब ये समूह हो गया। अब यदि हमें अबेलियन समूह सिद्ध करना है तो जो जी फाइव है यानी कि क्रम विनिमय को देखना होगा। तो क्रम विनिमय क्या कहता है कि ए धन बी मॉडुलो फोर बराबर बी धन ए मॉडुलो फोर, है ना। यदि ये मिले तो अब इसके लिए आपने जैसे दो अवयव लिए उदाहरण के लिए तीन और एक, आप सभी अवयवों के बीच देख सकते हो, सभी दो अवयवों के बीच में। तो तीन धन एक को जो अपन ने हल किया था तो आपको जीरो मिला था, और एक धन तीन एडिशन मॉडुलो चार के तहत किया तो भी आपको जीरो मिला। तो इस तरह से ये समुच्चय जी जिसके अवयव जीरो वन टू थ्री है एडिशन मॉडुलो फोर के लिए क्रम विनिमेय समूह बनाता है। अब हम देखते हैं एक बार इन क्वेश्चंस को पूछने के पहले मैं ये पूरा आपको पुनरावृत्ति इसकी कर लें, रिवाइज कर लेते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि बीजीय संरचना, बीजीय संरचना क्या, जब एक समुच्चय एक द्विआधारी संक्रिया के लिए जो अभी को अवयव लेते हैं, है ना, और वो अद्वितीय उसमें अवयव होता है, तो ये जो समुच्चय और ये संक्रिया मिलके क्या बनाते हैं, बीजीय संरचना। उसके बाद हमने ये देखा कि समूहाप क्या होता है। ये एक बीजी जो संरचना रहती है ये क्या एक समूहाप बनाती है यानी ग्रुपोइड। और जीवन किसे कहते हैं, किसी संक्रिया के लिए जीवन और जी टू यानी कि संवरक और साहचर्य यानी कि क्लोजर और एसोसिएटिव को संतुष्ट करता है तो वो सामी समूह, अर्ध समूह या सेमी ग्रुप बनाता है। जब कोई समुच्चय तीन संक्रिया जीवन यानी कि संवरक, जी टू यानी कि साहचर्य और जी थ्री यानी कि तत्स्मक किसी संक्रिया के लिए इन तीनों को संतुष्ट करता है तो हम उसे मोनोइड कहते हैं। अब फिर आता है समूह। जब कोई भी समुच्चय किसी ऑपरेशन ओ के लिए संवरक यानी कि क्लोजर जिसे हम जीवन कहते हैं, जी टू यानी कि साहचर्य जिसे हम एसोसिएटिव कहते हैं, जी थ्री यानी कि तत्स्मक जिसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, जी फोर यानी कि प्रतिलोम जिसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहते हैं, इन चारों अभिग्रहितों को संतुष्ट करे तो ये समुच्चय जी ऑपरेशन ओ के लिए समूह बनाता है यानी कि ग्रुप बनाता है। अब बारी आती है क्रम विनिमेय समूह यानी कि अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप जब कोई समूह यानी कि चार अभिग्रहित संतुष्ट करता है, तो जब कोई अभिग्रही जब कोई समुच्चय मतलब इन चार अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है यानी समूह है, उसके साथ ही साथ जी फाइव यानी कि क्रम विनिमेय नियम उसको भी संतुष्ट करता है तो उस समूह को हम क्रम विनिमेय समूह या अबेली समूह या अबेलियन ग्रुप कहते हैं। परिमित समूह वो समूह होता है जिसके समुच्चय में अवयव परिमित होते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, और उस समुच्चय में अवयवों की जितनी संख्या होती है वह उस समूह की कोटि होती है। फिर हमने देखा कि मॉडुलो किसे कहते हैं। मॉडुलो में हमने रेल समय सारणी का उदाहरण दिया कि यदि ट्रेन 15 बजे आ रही है तो उसका मतलब चूंकि रेलवे समय सारणी 12 पर काम करती है, अर्थात वो क्या हो गया कि आपने 15 में से 12 को घटाया तो 3। इसी तरीके से अभी इस प्रश्न में हमने देखा कि एडिशन मॉडुलो 4, तो एडिशन मॉडुलो 4 के लिए हमने बच्चों क्या देखा था, हमने देखा था जो हमने टेबल बनाई थी उसमें हमने इसमें क्या 4 से घटाया। एक बार टेबल फिर से देख लें जिससे कि आपको ये मॉडुलो पद्धति का पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने दूसरा कॉलम जैसे हम देखते हैं तो जब एक को हमने 3 में जोड़ा
तो एक और तीन चार होते हैं, और चूंकि हम एडिशन मॉडुलो चार की बात कर रहे हैं तो हमने चार में से चार को घटा दिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर हमने बच्चों एक उदाहरण ऐसा भी देखा था, वैसे तो गुणन के लिए तत्समक अवयव प्रायः एक होता है, पर ये इस पर भी निर्भर करता है कि समुच्चय क्या है। यदि हम अवयवों के गुणनफल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा गुणन हमारी संक्रिया क्या है, हमारी द्विआधारी संक्रिया क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि तत्समक अवयव क्या होगा। जैसे कि हमने अभी प्रश्न में देखा था कि धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय में जब हमने स्टार बच्चों परिभाषित किया था ए बी बटे तीन, तो उसमें हमारा जो तत्समक अवयव एक नहीं आया था, क्या आया था बच्चों, तत्समक अवयव आया था तीन। तो इस तरीके से वैसे प्रायः गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक होता है, पर संक्रिया क्या है इस पर भी तत्समक अवयव निर्भर करता है। आइए बच्चों, अब हमने जो आज पढ़ा उस पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपके स्क्रीन पर ये एक प्रश्न आया है, आई बच्चों किसे कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि ये जो पूर्णांकों का समुच्चय है ये व्यवकलन के लिए यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए अर्ध समूह, सामी समूह या सेमी ग्रुप नहीं है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि क्या ये सत्य है या असत्य है। प्रश्न बच्चों आपको। गुड आफ्टरनून मैम, नेपा नगर से, इसका आंसर ट्रू होगा। अच्छा, नेपा नगर से क्या नाम बताया बच्चों? चेतन यादव। चेतन यादव बेटा, बिल्कुल शाबाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि इसका आंसर क्या है, ये अर्ध समूह नहीं है। कोई ये बता सकता है कि ये अर्ध समूह क्यों नहीं है? नहीं है ये तो बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, पर क्यों नहीं है? ये सेमी ग्रुप, सामी समूह, पूर्णांकों का समुच्चय व्यवकलन की संक्रिया यानी कि सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप क्यों नहीं है, इसका उत्तर कौन देगा? अब नेपाल के कोई दूसरा महाविद्यालय से किसी छात्र छात्रा इसको इसका उत्तर दे। आप सभी बहुत होनहार मेधावी छात्र हैं, मैंने देखा कि आपने पूरा व्याख्यान बहुत एकाग्रता से तल्लीनता के साथ में सुना और बीच में जो नोट करना था वो नोट भी किया। तो अब इसका उत्तर बताएं। पहली बात तो ये कि यदि कोई समुच्चय किसी संक्रिया के लिए अर्ध समूह होता है तो वो किन दो अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, इसका उत्तर दे कोई। जब कोई समुच्चय किसी संक्रिया के लिए अर्ध समूह बनाता है तो वह कौन सी दो अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है? हाँ बताएं, नीमच से। गुड आफ्टरनून मैम, नेपाल नगर से। हाँ बोलिए। यह मैम समृद्ध साचार्य नियम का पालन करता है, इसलिए इसका अर्ध समूह नहीं है। नहीं मतलब अर्ध समूह किन दो का पालन करता है, संवरक का और साचार्य का, क्या साचारे नाम है? जी मैम। आपका क्या नाम है? चेतन यादव। अच्छा फिर से चेतन, औरों को भी मौका दो बेटा, शाबाश, तुमने ये तो सही कहा कि और तभी तुमने इसका उत्तर दे पाए थे कि अच्छा अब इन दोनों में से ये किस नियम का पालन नहीं करता? साहचर्य नियम। शाबाश, ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करता इसलिए ये अर्ध समूह नहीं है। बहुत अच्छा चेतन, नेपा नगर से। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, अनंत अवयवों वाला समूह
अनंत कोटि का समूह कहलाता है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स वाला ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप कहलाता है। सत्य या असत्य? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून। कौन है ये मैम? ट्रू है मैम ये। कौन सा महाविद्यालय? नेपानगर। चेतन? नो मैम। क्या नाम है? मैम शेख जुनेद। अच्छा बिल्कुल बेटा, शाबाश, सही उत्तर दिया। भाई अब नेपानगर के अलावा दूसरे महाविद्यालय भी इसमें आगे आए। विषम पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब एक तो होता है पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें कि धन पूर्णांक भी है और ऋण पूर्णांक संपूर्णांक भी है ना, इवन और ऑड। अब हम ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो विषम पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष समूह नहीं बनाता है। ट्रू और फॉल्स? हाथ ऊंचा करें। बोले नीमच से? कहाँ से? कौन से महाविद्यालय से? पहले अपना नाम बोले फिर महाविद्यालय का नाम बोले। अभी बैठे रहे। हाँ इसका उत्तर यदि आपको नहीं है तो हम बता दें कि विषम पूर्णांकों का समुच्चय के सापेक्ष समूह नहीं बनाता है। मैम ट्रू है। हाँ ट्रू है। कौन? मैम नेपानगर से रवि चौहान। अच्छा शाबाश रवि, नेपानगर से सही उत्तर दिया। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बैठे रहे। विषम पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष समूह नहीं बनाता, ये ट्रू है क्योंकि यदि हम दो विषम संख्या मिलती है, मैं आपसे पूछूं कि एक संख्या तीन है जो कि विषम है और पूर्णांक है और दूसरी है पांच, तीन में पांच को जोड़ते हैं तो क्या विषम मिलती है? नहीं, इसलिए ये संवरक नियम का पालन नहीं करता। अब वह अर्ध समूह मोनोइड होता है जिसमें कौन से नियम का पालन होता है? वो सेमी ग्रुप मोनोइड होगा जिसमें एक और कौन सा